कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। A very happy Women's Day to all of you. It's a very prestigious part for me to speak on such a special and auspicious day, that is International Women's Day. My name is Didi Jina, और आज इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज की संकीर्ण मानसिकता और इसी मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से, कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को आवाज नहीं सुनाई देती उस छोटी सी मासूम सी बच्ची की जो अभी भी अपने माँ के गर्भ में चीख चीख कर रो रो कर बोलती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी इस दुनिया को देखना है, मुझे भी माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जो अपनी माँ को ये बताते हुए कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, इस देश का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जो अपने आप को इस दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है? क्या इस समाज को उस लड़की की आवाजें नजर नहीं आती जिसके साथ हर रोज बलात्कार जैसा गुनाह होता है? क्या इस समाज को उस लड़की की आवाज नजर नहीं आती जिसको न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? क्या इस समाज को उस लड़की और उस औरत की आवाज सुनाई नहीं देती जब उसके कुछ कहने पर उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा जाता है? क्या इस समाज को उस औरत और उस महिला की आवाज सुनाई नहीं देती जो सिर्फ तलाक का सहारा लिए घूमती है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि समाज की पुरानी आदत है ये बताने की कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम नारी हो, यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमन एंड आई एम द विक्टिम। सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे बताने जा रहा है, सवाल तो अब ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है, कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। और इसी के जवाब में मैं कहना चाहूंगी, हाँ शायद कमजोर थी मैं लेकिन अब ना रहूंगी। अपनी आवाज के साथ हक के लिए उन सब से लड़ूंगी, न रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। याद रखना, मैं अब कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूंगी। अपने वर्चस्व की पहचान बन आकार बनूंगी, अपने वर्चस्व की पहचान बन आकार बन। I do not want to fit into the glass sleeper that someone had made for me by this patriarchal society. I want to break it by the term glass ceiling. जब जब मेरे आत्मसम्मान, मेरी पवित्रता, मेरे अधिकारों और मेरी आजादी के बारे में ये समाज उंगली करते रहेगा,
तब तक मैं यानी हर एक वो महिला, हर एक वो नारी, हर एक वो लड़की अपने हक, अपने अधिकारों के लिए इस समाज से लड़ती रहेगी। सो मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।